उतना हवा पानी की जरूरत नहीं होती जितनी जेवर की जरूरत होती है। मैंने गलत बात तो नहीं कर दी? हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं पूछते भाई, मेरी बहुएं आएंगी मैं उनको दूंगी एक एक। कल किसने देखी है? कल किसने देखी? सास से संभाल के रखती है कि बहुएं आएंगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक है। आज एक जबरदस्त व्लॉग लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज का व्लॉग बहुत मजे का होने वाला है, इसलिए कि इसमें आज मैं आपके साथ रूटीन शेयर करूंगी कि मेरी दिन भर की रूटीन क्या है। और गर्मियों के हिसाब से है हमारी तरफ तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो गई है, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की तरफ गर्मी का क्या हाल है। अच्छा जी, तो मैं इसलिए आपसे टेम्परेचर का पूछ रही हूँ कि पता लग जाएगा कि भाई इंसानों का भी क्या टेम्परेचर है, फिर उसी हिसाब से हम व्लॉग लाया करेंगे। तो जी मेरा आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, इससे पहले कि व्लॉग शुरू करें आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मैं अपने लॉन में खड़ी हूँ, शाम का टाइम है और मैंने काफ़ी हमारी तरफ लाइट बहुत जा रही है, तो आज मैंने सोचा कि मैं बच्चों को जूस बना के दूंगी, वो भी उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत मज़े का ताज़ा फलों का जूस है, जिस तरह सीज़न में फल आते हैं आप उसी तरह उनको जूस बना के दे सकते हैं। अच्छा मैं आपको अपने लॉन की भी कंडीशन दिखा दूँ जूस बनाने से पहले कि ये देखें, इनको ये जो पौधे हैं इनको डेली वॉश किया जाता है, लेकिन वही सिचुएशन है कि इतनी मिट्टी उड़ रही है ना इस मौसम में, तो बहुत ही डस्ट होती है हर तरफ होती है। ये आप पौधों पे पत्तों पे देख रहे हैं कितनी डस्ट पड़ी है, ये देखें ये साफ़ हो गया यहाँ पे। तो यही हाल है, अब बेचारे ये क्या करें, डेली ये नहाते हैं लेकिन फिर भी वही कंडीशन है इनकी। ये देखें इनको साफ़ भी किया जाता है, ये मेरे हाथ पे भी कितनी लग गई है, और इस पौधे को तो कोई गड़बड़ है। यहाँ पे देखें इसके ऊपर कितने कीड़े मकोड़े हैं, और ये वाइट वाइट कोई कीड़ा जम जाता है जिसके बाद इसको मकोड़े चिपक जाते हैं, ये देखें। तो इसको काफ़ी दफ़ा वॉश किया है कि इसके ऊपर से ये जो वाइट जमा हुआ है इसको धो दें तो ये सही हो जाएगा, लेकिन फिर हो जाता है। ये काफ़ी पुराना है, जब फर्स्ट टाइम हमने लॉन बनाया था ना तो ये उसी वक्त लगाया था, और ये तब से है, और इसकी कटिंग वगैरह भी करते हैं ताकि ये फ्रेश हो जाए। हमारी तरफ आज आंधी का चांस है कि आंधी आ सकती है, क्योंकि मौसम ऐसा है, और अगर आंधी आ गई तो उसके बाद जो घर की हालत होनी है, क्योंकि कल भी आंधी आई है हल्की सी, लेकिन आज लगता है कुछ तेज़ आएगी क्योंकि आसार ऐसे ही हैं। इससे पहले कि लाइट चली जाए अंदर चलते हैं, जूस बनाते हैं, शहरी काफ़ी देर से वेट कर रहा है तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो मैं अंदर आ गई हूँ, बच्चे शॉवर ले रहे हैं, जब तक बच्चे शॉवर लेते हैं हम जूस रेडी कर लेते हैं। तो फ्रूट लाते हैं जितना तौफीक हो सकती है बच्चों के लिए, उनको जूसेस बना के देने के लिए। आजकल आड़ू आए हुए हैं बड़े फ्रेश हैं, उनका जूस बना के देते हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, ये देखें। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आड़ू ना नरम वाले लें, तो इनको वॉश कर लेते हैं और उसके बाद जूस तैयार करते हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप लोग कैसे? मैं भी ठीक हूँ, और आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। कल था हमारा पीटीएम और टीचर्स ने मेरी बहुत तारीफ की, और मामा याफ़ित भी है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, इसकी टीचर्स ने इसकी बहुत तारीफ की थी, वो कहती थी माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ता है, तो ये आगे भी इसी तरह अच्छा पढ़ेगा तो इसका रिजल्ट अच्छा आएगा ना। ये सब मेरी मेहनत मेरे पापा लोगों ने की है, और मैं इंशाल्लाह कुछ आप लोगों को बन के दिखाऊंगा। मेरा तो बहुत दिल करता है मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूँ। मैं यहाँ पर जा रही थी तो यहाँ पर उमर और शहरी नमाज पढ़ रहे हैं, और अभी मैं आपको अपनी बात करके दिखाता हूँ जी। तो मेरे पापा ने मेरे से वादा किया था कि मुझे वो साइकिल लेके देंगे जी। तो मेरा जी तो अभी जब मैं फर्स्ट आऊँगा तब मुझे साइकिल लेके देंगे, इंशाल्लाह मैं फर्स्ट आऊँगा। चार आड़ू हैं तो इनका इसको एक फीडर भर के जूस का बन जाएगा, यानी दो गिलास, तो आराम से ये इसके अंदर डालते हैं। साथ में हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो इस तरह किसी छाने से हम इसको छान लेंगे। गर्मियों में बहुत ज़बरदस्त होता है, आप आड़ू का बना के दें बच्चों को, ये उसका आलू बुखारे का भी बना सकते हैं, इसी तरह आप जो फ्रूट है उसके बाद मैंगो आएगा तो मैंगो का जूस भी बहुत ज़बरदस्त बनता है, और बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं होता कि बाज़ार का है या घर का है, बस ये फ़र्क होता है कि ये केमिकल फ्री होता है और घर का फ्रेश जूस बना हुआ होता है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं लगेगा आपको जी। तो ये मैंने जूस निकाल लिया है, ये देखें इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है कि अगर आप बच्चों को या मेहमानों को बना के देंगे तो वो ज़रूर इससे आपकी रेसिपी पूछेंगे। सिंपल है, आपने आड़ू ले लेने हैं हसबे ज़रूरत, अगर आपने एक गिलास बनाना है तो दो आड़ू परफेक्ट हैं, यानी गाढ़ा जूस बनाने के लिए। अगर मज़ीद आप इसको गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो तीन आड़ू ले लें, लेकिन एक गिलास के लिए दो आड़ू काफ़ी हैं।
तो आप उसे आसानी से बना सकते हैं। तो इसी हिसाब से आपने आड़ू ले लेने, उसके अंदर शुगर ऐड करनी और ठंडा पानी ऐड करके उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है, जूस बना लेना है उसका, और फिर उसको छान लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है। अब मैं इसके अंदर बर्फ़ डालती हूँ, ये बड़ों को भी बहुत पसंद आता है और बच्चों को भी। और इसी तरह मैंगो जूस है, उसकी रेसिपी भी बहुत मज़े की है, वो इंशाल्लाह ताला अच्छे आम आएंगे, मतलब आमों का जो असल सीज़न शुरू होगा तो उसमें आपको उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ये मेरे पास गिलास है, ये देखिए माशाल्लाह से आप इसका कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त है। तो ये शेरी का मैंने इसमें जूस डाला है और अब उसे देते हैं आप लोगों के सामने, आप लोग भी देखिएगा वो कितने शौक से पीता है। जुरेज़ वैसे ही आड़ू खा रहा है, जुरेज़ वैसे फ्रूट लाइक करता है, जो बच्चा वैसे खा लेता है उसको ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो अगर वो पसंद करता है तो उसको दे दें। तो माशाल्लाह से शहरी ना ऐसी चीज़ों का दीवाना है, और जो इतनी इसकी सेहत है ना वो भी सिर्फ इसी वजह से है जो ये फ्रेश जूसेस पी लेता है ना बाबू शहरी। हाँ। और जिनके बच्चे वीक है ना, तो वो उनको जिनमें आयरन की कमी है या खून की कमी है तो वो उनको फ्रूट जूसेस दें अगर वो फ्रूट खाना पसंद नहीं करते। तो जूस सबने पी लिया है और अब किचन में मैंने सारा समेट दिया है सामान सारा कुछ, और बर्तन भी वॉश कर लिए क्योंकि लाइट का पता नहीं होता, और शहरी ने भी जूस इंजॉय कर लिया। तो ज़रूरी बात मैंने आज के व्लॉग में करनी थी वो तसव्वुर से है, तो देखते हैं उनकी क्या राय होती है और वो क्या कहते हैं मुझे और आप लोगों के सामने है। उठ जाएं जी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो दिन ब दिन प्यारे होते जा रहे हो। सच्ची? हाँ जी। नजरें ना फेर लेना, सोच फेर लेना, नजरें ना फेर लेना। फिर मेरा को अच्छा अच्छा सोच गया और आपने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया है। सच्ची? हाँ। ये देखें जी, ये देखें। अच्छा मैं, अच्छा मैंने आपसे एक बात करनी थी, कुछ याद है? नहीं। वो मर्द ही क्या जिसको वादे याद रहे? मसलन ये देखें आप लोग, देखें इनको नजर भी नहीं आता और याद भी नहीं रहता। तो कैमरा मुझे देना। हाँ। तो इधर से तो पसीनो पसीने क्यों? मैं किचन में बच्चों को जूस बना के दे के आई हूँ। अच्छा। हाँ जी। अच्छा तो वो मैंने ये कहना था। हाँ। ये कहना था, सुने जी सुने, आपका एक ये मैं आपको दिखा के बताती हूँ। अच्छा। हाँ जी। खैर हो इंशाल्लाह। खैर है, आपके तो दिल बैठा जा रहा है, तारीफ। आपने तो ऐसे आज वो छापा नहीं मारते? और क्या, मैं काफी दिनों से खुद इंतजार, इंसान को शर्म आ जाती है कि वो खुद कैसे कहे, अगले को नहीं आती, सारा मसला यही वो बंदा ही क्या जिसको शर्म आ जाए। हाँ ये बात भी है, वो बंदा ही क्या जो वादा वफा कर दे। हैं। हाँ ये बात तो नहीं, वो बात। अच्छा यहाँ मैंने एक दो तीन इमेज सेव की थी, वो कहाँ होती है? ये मैंने पसंद कर ली है ऐसा डिजाइन। ये देखें जी, ये ना मैंने नेट से देखे हैं ज्वेलरी डिजाइन। बिल्ली नु खाब से छड़े दे। मेरा देख लो मेरी शक्ल नहीं है, है? सुने जी, नेट से वो जो मैंने छापड़ छापड़ जितने मोटे होते हैं वो मैं बनावा के रखूंगी, पहनूंगी नहीं, मेरी बहुएं आएंगी मैं उनको दूंगी एक एक को। किसने देखी है? किसने देखी? सास से संभाल के रखती है कि बहुएं आएंगी मैं उनको दूंगी, फिर वो मेरे आगे इतना सोचता है जितना सोचते हैं, मेरे आगे चूम भी करेंगी तो मैं उनको कहूंगी मैंने ज्वेलरी दी थी, मेरा ज्वेलरी वापस करो। नहीं वो वापस नहीं ले सकते बहुओं से कभी भी। हाँ उनका राइट होता है। फिर आपको सास ने दी थी? नहीं ऐसी बातें नहीं पूछते, देखो मैं दे रही हूँ ना। हाँ, हाँ। तो फिर मुझे शौक है ना देने का। हाँ तो इसलिए पता नहीं मैंने तो, गलत बात तो नहीं कर दी? हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं पूछते भाई, गुजरा जमाना नहीं पूछते। अच्छा आने वाला? हाँ, आने वाला। और एक ये वाला सेट, दो सेट बनवाने हैं मैंने। वाह इतना मोटा? ये मोटा नहीं है। हाँ, ये छोटा है, गोल्ड ऐसा ही होता है। हाँ, और डेली पहनने के लिए ना वो मैंने छोटे छोटे कानों के लिए बनवाने हैं सिर्फ अपने लिए। हाँ जो फिर जब मैं मर जाऊंगी तो किसी ने उतार वो भी उतार लेने, वो तो सभी मरेंगे तो उतार लेते हैं। हाँ, वो कौन छोड़ता है। हाँ, लेकिन मैंने ये बनवा के रखनी है, सेविंग भी रहेगी और मेरी फिर मैं अपने आने वाले वक्त के लिए सोच रही हूँ। मैं भी लंबे लंबे सांस ले लूँ। मैं तो इनके ये जो हालात हैं, डॉलर ऊपर चढ़ा जा रहा है, गोल्ड ऊपर चढ़ा जा रहा है, पैसा कम चढ़ा जा रहा है, क्या ये वीडियो बंद है? ऊपर चढ़ा है वो तो देखो मजबूरी के लिए, वो हमारा गैजेट है उसको हमने जो ये, मेरा वो लेडीज का इससे क्या फर्क पड़ता है? लेडीज के भी गैजेट होते हैं। ये गैजेट है? हाँ जी,
कहते हैं औरत को इतना हवा पानी की जरूरत नहीं होती जितनी जेवर की जरूरत होती है। औरत हवा के बगैर रह सकती है, पानी के बगैर, खुराक के बगैर, खाने के बगैर और सब चीजों के बगैर रह सकती है, शोहर के बगैर भी रह सकती। गोल्ड वो तो अब शोहर खुद सोच रहे हैं ना, तो उसे गोल्ड चाहिए। अगर ऐसे इशारा तो मुझे किया है ना, अगर उसे कुछ बेचना भी पड़े ना तो वो बेच के हाँ वो ज्वेलरी ले सकते। सच्ची आधा किया था आपने, आपने कहा था ढूंढो। वो देखो ना, तब हमने ना सुला सुला कर दिया। वैसे तो मेरी उम्र नहीं है अभी ज्वेलरी पहनने की, तो मैंने कह रही थी। लेकिन आपकी उम्र ही अब क्या है, आप ज्वेलरी पहनती हो, खुद नहीं एहसास होता? नहीं, मुझे बोलूंगा तो वो जरा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो मुझे सब औरतों ने कहा। वैसे तो अभी मैं मतलब वो बड़ी उम्र की औरतें ज्यादा पहनती है ना ज्वेलरी, तो लेकिन मैंने मुझे आप ऐसे आर्टिफिशियल में ज्यादा खूबसूरत लगती, अच्छी भी लगती। वो मुझे पता है, आप मुझे गंदे से कपड़े लेके देते थे और कहते थे आप कितनी प्यारी लग रही हो। देखो अच्छा, अच्छे कपड़े लेके, अच्छे कपड़े लेके दे, तो वो आईफोन का कमाल है। गोल्ड में मैंने ये देखा कि जो आपका जो आपके वाला हमने बेचा था, वो जितने का बना था ना उससे कम पैसों में बिका, वजन भी कम हो गया, खोट भी डलता है ना, खोट शोट और काट कट कट कटा के सारा सुनहरा ले गया पैसे। बस मेरा गोल्ड फाइनल हो गया है, मैंने गोल्ड ले लिया है ये वाला, और अब मुझे आपने ला के देना है, नहीं तो ना आपको मैंने दिन में चैन करने देना है ना सुकून। तो अब मैं इनसे जरा हिसाब किताब कर लूं, ये जो बहाने मारे, नहीं तो आपका सुबह आईफोन सेल कर देना। मैंने जरा बातें नहीं करनी आपने, ठीक है ना? कब लेके जा रहे हो ये फाइनल करवा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बंदा औकात में रहता है। नहीं तो देखो, औकात इतनी है ना, उतने में रहता है, इतना अच्छा अच्छा सोचती हो। दो सेट दिखाए और मैंने चूड़ियां भी देखी है ना।